चर्चित यूट्यूबर विष्णुराज चौहान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो भी हिंदू धर्म की साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि विष्णुराज की पत्नी, कुछ दिन पहले खबर ये आई, और ये खबर विष्णुराज चौहान ने ही अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है जिसे वो भाई समझती थी। उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर फैली, लोग जगह जगह से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, और सभी लोगों ने भी ये मान लिया था कि विष्णुराज चौहान की पत्नी मालती चौहान किसी के साथ भाग गई। और जब इस खबर की पुष्टि हम लोगों ने की तो पता चला कि जो उनका ड्राइवर था, जिसे वो अपना भाई समझती थी, उसी के साथ भाग गई। इस बात की जानकारी खुद विष्णुराज चौहान ने अपने चैनल पर दी। उसके कुछ ही दिन बाद, मात्र 1 से 2 दिन बाद, दोनों में समझौता होता है और उसके बाद फिर वो एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी यहाँ पर मामला साफ तौर पे साफ हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद, यानी कि मात्र 12 से 14 घंटे के बाद एक खबर और सामने आती है कि मालती जिसके साथ भागी थी, उसके साथ ही विष्णुराज यानी उसका पति उस लड़के से एक मंदिर में जाकर के शादी करवा दी। मालती चौहान के भागने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है। जो उनके चहेते थे, जो उनको अपना आदर्श समझते थे, जो उनको फॉलो करते थे, तमाम ऐसे यूट्यूबर, तमाम ऐसे जो उनको उनके चाहने वाले दर्शक थे, उनके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनको बहुत चाहते थे। और मालती चौहान जब भागी तो वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ लोग ऐसे लोग थे कि वो ये लोग ये कह रहे थे कि मालती चौहान को हम आदर्श मानते हैं और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। कुछ घरों में इस बात को लेकर के तू तू मैं भी हुआ। और इसी बात को लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि हाई कोर्ट में जाकर एक बंदे ने इस पूरे मामले से अवगत कराया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वो एप्लीकेशन में अभी आपको पढ़ के सुनवाते हैं कि उनके खिलाफ किन किन बातों को लेकर के शिकायत की गई है, और जल्द ही विष्णुराज चौहान के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तमाम पॉइंट्स नोट नोट कराए गए हैं और FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें ब्रिजेश राज जो जिस व्यक्ति का नाम है, वो टाइम्स ऑफ यूपी के एक वीडियो जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ही इस पूरे मामले में कदम उठाया है। और खबर ये भी है कि कई जिलों से विष्णुराज चौहान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल अभी पहली FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या मांग की गई है। विस्तार से सुनिएगा, हमारे पास वो कॉपी है तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बाकायदे साक्ष्य के साथ। इसमें कहा गया है कि थानाध्यक्ष महोदय सादर अवगत कराना है कि यूट्यूबर विष्णुराज पुत्र राम सूरत चौहान, जो काली जगदीशपुर जनपद संत कबीर नगर का स्थायी निवासी है, यूट्यूबर विष्णुराज के लगभग 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूबर विष्णुराज द्वारा पहले तो सोशल मीडिया के पत्रकारों को अपनी पत्नी मालती राज की अवैध संबंध की बात सार्वजनिक करता है। उसके कुछ ही घंटे बाद अपने ही चैनल, जिसका नाम विष्णुराज फन है, पर आकर सुलह समझौता होने की बात सार्वजनिक करता है। उसके बाद आगे कहा गया है कि इतना ही नहीं, उसके तकरीबन 12 घंटे बाद उपरोक्त चैनल पर ही आकर अपनी ही धर्मपत्नी मालती चौहान की शादी किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, जिसका वीडियो बनाते हुए उपरोक्त चैनल पर डालता है। वीडियो में स्पष्ट दिखाया गया है कि यूट्यूबर विष्णुराज हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ हिंदू शादी विवाह के रीति रिवाज का मजाक बनाया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य चैनल पर ज्यादा व्यूज लाकर रुपया कमाना प्रतीत होता है। आगे लिखा गया है कि सादर विदित हो कि हिंदू धर्म के अनुसार रात्रि के समय भगवान शंकर के मंदिर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान प्रतिबंधित है। बावजूद इसके यूट्यूबर विष्णुराज द्वारा अपनी ही धर्म पत्नी का बिना तलाक के अन्य पुरुष से शादी कराना, जिसमें रिवाज के अनुसार सिंदूर दान की जगह सिंदूर दृष्टिगत नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि यूट्यूबर विष्णुराज द्वारा षड्यंत्र के तहत सोशल मीडिया पर हिंदू रीति रिवाज का मजाक बनाया गया। साथ ही देश की महिलाओं के प्रति अनादर का संदेश पूरे समाज में गंदगी स्वरूप फैलाया गया, जिससे समाज की महिलाएं खुद को अपमानित महसूस कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि मैंने वही बात कहा कि जो उनके चहेते थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको अपना आदर्श समझते, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर लोग अपना अपना चैनल बना करके अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं और उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। जैसे तमाम ऐसे फेमस यूट्यूबर हैं, बात कर लें अगर हम विजय रिया ब्लॉग की, बात कर लें अगर हम विष्णुराज चौहान मालती चौहान की, बात कर लें हम गोरखपुरिया भाऊजी की,
बात कर लें, हम तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मैं जिनको लोग फॉलो करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, जो लोग करते हैं वही करते हैं। और इसी मामले को मैंने आपको बताया कि इसी बात को लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ ठेस इन लोगों ने पहुंचाया है, और इसी मामले में विकास राज ने अप्लीकेशन दे करके कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की मांग की। आगे बताता हूँ कि आगे क्या लिखा गया इसमें। अतः श्रीमान जी से निवेदन निवेदन है कि यूट्यूबर विष्णु राज को हिंदू भावनाओं और रीति रिवाज का मजाक बनाने, समाज को गुमराह करने व नारी शक्ति का अपमान करने के दोष में मुकदमा पंजीकृत कर कठोरतम कार्रवाई करने का कष्ट करें, और सामाजिक तौर पर नारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने, समाज को गुमराह करने तथा हिंदू रीति रिवाज का मजाक बनाने में प्रयुक्त सोशल मीडिया पर मौजूद विष्णु राज के समस्त चैनलों को प्रतिबंधित करने का कष्ट करें। यानी जो सोशल मीडिया पर जितने भी विष्णु राज के इस तरह के चैनल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, उन्हें प्रतिबंधित करने की भी इस एप्लीकेशन के द्वारा मांग की गई है प्रशासन से। और इसमें भी कहा गया है कि जिससे समाज में गंदगी न फैले, शिष्टाचार की स्थापना बनी रहे, साक्ष्य सादर शिवा में प्रसिद्ध है। जो साक्ष्य थे, यानी कि साक्ष्य की बात में आपको बता दूं कि जो पहली वीडियो जिसमें विष्णुराज खुद कहते हैं कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई, उस देर बाद एक और वीडियो आती है कि समझौता हो गया हम लोग साथ रहेंगे, और फिर कुछ ही देर बाद उसी लड़के से शादी करने का भी एक वीडियो वायरल हुआ। और उसके बाद से इस तरह की, हमने जब विकास से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि हमारी बीवी खुद उनकी फॉलोअर्स है, उनके बताए रास्तों पर चलती है, उनको फॉलो करती है। जैसे उनको पता चला कि मालती चौहान भाग गई तो उन्हें बहुत आघात पहुंचा, वो डिप्रेशन में चली गई थी। अपने अपने जो उनके मतलब पति हैं विष्णु और विकास, उनके साथ उनका व्यवहार बदल गया, बहुत समझाने के बाद भी उनके हालात में सुधार नहीं हुआ। तो विकास कहते हैं कि हम लोग उसको फॉलो करते हैं और लोग मजाक बना रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर के, इसलिए मुझे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। तब जब बाद में मालूम चला कि ये व्यूज के लिए कभी भागते हैं, कभी समझौता करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, और खास करके इसमें हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो बात सामने आई है उसको मुख्य मुद्दा बनाया गया है। अब इसमें मांग किया गया है कि विष्णु राज के जितने भी सोशल मीडिया पर चैनल उस पर भी कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके से फ्यूचर में कोई काम न किया जाए। और खास करके जो रात को बात की गई है कि मंदिर में 12 बजे के बाद किसी का भगवान शिव का मंदिर खुला कर उसमें इस तरह का काम किया गया, बिना तलाक लिए, बिना किसी कार्रवाई के तुरंत, मतलब शादी विवाह हिंदू रीति रिवाज में करना आम बात हो गई है। जब जिसको चाह तलाक दे दिया, जब जिसको चाह शादी कर लिया, इसका कोई साक्ष्य प्रमाण ना हो, ऐसी वीडियो से और ऐसी कारनामों से ये वाकई सही है कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है, और लोग जो उनको आदर्श मानते हैं उनके बताए रास्तों पर चलेंगे तो उनका भी नुकसान होगा, और ये लोग चंद व्यूज के चक्कर में इस तरह का कारनामे कर रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर खबर ये भी है कि 4 से 5 जिलों में उनके खिलाफ तहरीर देने की प्रतिक्रिया चल रही है, और बहुत जल्द ही उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का।